ये है पुष्पा वाला लाल चंदन। पुष्पा वाला? हाँ जी, इसकी तस्करी करवाओगे क्या? ये तो बहुत मतलब बहुत कॉस्टली पेड़ माना जाता है। बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, तीन ऐसे पेड़ है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, दूसरे नंबर पे है पुष्पा वाला लाल चंदन जी। सभी जानते हैं जब से मूवी आई थी पुष्पा, तो उसके बाद से सब जानने लगे थे लाल चंदन क्या है। बिल्कुल भाइयों नमस्कार, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा किसान से जिनका नाम है मनीष देसवाल। उनके पास तीन ऐसे जादुई पेड़ है जिनको आप पैसों का पेड़ भी कह सकते हैं। अगर आप इन पेड़ों की खेती करते हैं तो मेरा दावा है पॉपुलर इसके सामने कुछ भी नहीं है। पॉपुलर की खेती हालांकि बड़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन पॉपुलर की खेती से इसकी जो खेती है 50 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आपके घर में बेटी है, आपको घर बनवाना है, 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको मिलवा देते हैं मनीष भाई से। मनीष भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम मनीष देसवाल है और अपनी नर्सरी है किसान फार्मिंग ट्री। जी जी। और आज आपको हम तीन ऐसे पौधे दिखा रहे हैं किसान भाइयों को जो उनके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, उनकी एफडी का काम करेगा। अच्छा, क्योंकि पॉपुलर सफेदा कुछ लोग नहीं लगाना चाहते। हाँ हाँ। और कुछ लोग क्या है कि बाहर है, विदेश है, कुछ जॉब कर रहे हैं, वो खेती करते नहीं, ठेके पे पैसा मिलता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको लगा के छोड़ दो और 12 साल 15 साल बाद बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देगा। अच्छा अच्छा। हमारे पास 6 साल वाला भी है, 12 साल वाला भी है, 15 साल वाला भी है। तीन पेड़ आपको बताएगा जो आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। तो सबसे पहले जो हम आपको बताए जी, तो ये है अफ्रीकन महोगनी। अफ्रीकन मोहगनी बोलते हैं। अच्छा, जो आज के टाइम में लकड़ी में बहुत ज्यादा डिमांड में है और किसान इसको सबसे ज्यादा प्रथम पे रख रहे हैं लगाने में। अच्छा। ये पेड़ 12 साल में तैयार होता है और एक पेड़ जो है करीब 20,000 रुपए तक का बिक जाता है। अच्छा। क्योंकि इसकी लकड़ी हल्की लाल रंग की होती है, पानी में ये खराब नहीं होती। इसके अच्छा। नाव बोर्ड पानी के जहाज फर्नीचर ये सब बनता है। अच्छा, जो बंदूक की बटे है इसकी बनती है। अच्छा, बहुत गहरा लाल होता है। हाँ, हल्का भूरा रंग का लाल होता है। अच्छा, गहरा नहीं होता, हल्का भूरा रंग का। अच्छा अच्छा। और अच्छी बात यह है कि इसकी आपको कटवाने की भी कोई परमिशन नहीं लेनी, सांगवान की होती है इसमें नहीं लेनी। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसका कोई नुकसान भी नहीं, आप नीचे खेती भी कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये एक 12 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और इसकी अगर हम और खासियत की बात करें तो फसल को भी कोई नुकसान नहीं है इसका, ना आपको कटाई की टेंशन है, ना जगाई की टेंशन है, बस आपको लगा के सिर्फ पानी देना है। अच्छा अच्छा जी। ये एक बीघे में कितने पेड़ लगते हैं? ये एक बीघे में करीब 120 के आसपास पेड़ लग जाएगा, 8x8 पे। अच्छा, तो एक बीघे का खर्चा अगर कॉस्ट जोड़े किसान भाई की क्या आ जाएगी? तो हमने जो पौधे की कीमत रखी है ये मानो आप 60 रुपए रखी है। हाँ। उसमें डिलीवरी चार्ज अलग होगा। हाँ। बाकी पूरे इंडिया में कोई कहीं भी मंगा सकता है। हाँ। जो कहीं से भी हम ट्रेन से भिजवाते हैं नजदीकी स्टेशन तक। अच्छा अच्छा जी। मोटा मोटी ये है मतलब 10,000 रुपए बीघा खर्चा आएगा साल का? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ये क्या है? आएगा। अच्छा अच्छा। मान लो ये है पुष्पा वाला लाल चंदन। पुष्पा वाला? हाँ जी। इसकी तस्करी करवाओगे क्या? ये तो बहुत मतलब बहुत कॉस्टली पेड़ माना जाता है। बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, तीन ऐसे पेड़ है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, दूसरे नंबर पे है पुष्पा वाला लाल चंदन जी। सभी जानते हैं जब से मूवी आई थी पुष्पा, तो उसके बाद से सब जानने लगे थे लाल चंदन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो वैरायटी आती है, सफेद चंदन भी आता है, लाल भी आता है। तो ये लाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ कोई होस्ट नहीं लगाना, ये सिर्फ अकेला चलता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि चंदन का पेड़ अकेला नहीं होता, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। जो कहते हैं ना अकेला, वो सफेद वाला है। अच्छा अच्छा। सफेद वाले के साथ में आपको एक पेड़ और लगाना पड़ेगा। लाल वाले में कुछ नहीं लगाना, लाल वाला अपने आप चलता है अपने दम पे। कितना टाइम में हो जाता है ये? 15 से 16 साल में तैयार होगा। अच्छा। और एक पेड़ 50 से 60,000 तक का निकलता है। कितना वजन हो जाता है इसमें 16 साल बाद इसका? इसका ये मान के चलो इसमें निकल जाती है करीब 3 क्विंटल के आसपास लकड़ी निकल जाती है। अच्छा, घन फीट में जाता है ये। अच्छा अच्छा। ये घन फीट में जाएगा। मनीष भाई एक सवाल हो रहा है, इसको लगाने से पहले कुछ परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती? नहीं, लगाने से पहले कोई परमिशन नहीं, पर काटने के वक्त परमिशन लेनी है। थोड़ा बताया कैसे? हाँ। तो जो लाल चंदन है और चाहे सफेद चंदन लगाओ, तो इसमें काटते वक्त आपको नजदीकी वन विभाग से परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल। जबकि मोहगनी में आपको कोई परमिशन नहीं लेनी। अच्छा। तो बस इसका यही है कि आपको लगाओ तो सोच लेना कि अगर आप परमिशन ले पाओ, बाकी परमिशन मिल जाती है ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात है। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मुझे आप ये बताओ ये एक बीघे में कितने लगेंगे? ये भी इतने लग जाएंगे, इसको 8x8 से कम नहीं लगाना। हाँ। अगर 8x8 10x10 लगाओगे तो 100 पेड़ लग जाएगा। तो यार बहुत पैसा हो जाएगा 15 साल बाद तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया जो 60,000 का एक पेड़ जाता है। ज्यादा का जाएगा, कम है, मिनिमम है 60। मिनिमम 60,000 और कम से कम अगर एक बीघे में 100 पेड़ भी हो गए जी जी, तो बहुत बैठता है। बहुत बैठता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। जिसको लग रहा है कि भाई उसे खेती तो करनी नहीं, बस ठेके में देना, तो उससे बढ़िया इनको लगाओ। अच्छा। और तारबंदी करा के अपना सेफ हो जाओ, 15 साल बाद काटो तो 1 करोड़ 2 करोड़ जितने कहीं नहीं गए। तो ये तो वही डायलॉग हो गया जो जैसे पुष्पा मूवी में, झुकेगा नहीं साला, इसको लगा के तो किसान भी झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं और को भी परेशान करेगा फिर वो। सही बात है, पैसा आ जाएगा। अच्छा, तीसरा पेड़ कौन सा आपके पास? तीसरा पेड़ है जी, ये है मालाबार मिलिया डुबिया।
मिलियन डिविडेंड, बकान जैसा लगता है देखने। जो लंबे समय के लिए नहीं करना चाहते खेती तो उनके लिए 6 साल वाला है, मतलब पॉपुलर वाला सिस्टम है। 6 साल में तैयार होगा इसका, जितना ही पेड़ मिलता है ये 1.5 फीट तक का पौधा हम देते हैं, इतना ही ये क्योंकि जमीन में लगने के बाद ये ग्रोथ ज्यादा लेता है, थैली में ग्रोथ नहीं लेता ये। अच्छा क्या कारण है मनीष भाई, मैं दुबई गया था अभी पिछले साल, मैंने पूरी दुबई में मलाबार का पेड़ बहुत देखा। इसका मलाबार का देखा होगा, ये कौन सा? ये मलाबारी है, मलाबारी है ना। हाँ देखा है, क्या कारण है दुबई इसको? ये किसी भी मिट्टी में हो जाता है, ये मरता नहीं। हाँ वहाँ की रेतीली मिट्टी है भुरभुरी। ये गर्मी कितनी पड़ जाए, सर्दी कितनी पड़ जाए, ये मरता नहीं, तो इसलिए वहाँ, इसलिए ये पूरी दुनिया में कामयाब है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी लाल चंदन हर जगह कामयाब नहीं है, लाल चंदन के लिए मिट्टी टेस्ट करानी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मोंगनी हमारे पूरे इंडिया में कामयाब है। अच्छा। बस जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ नहीं होगा। और जो मालाबार है वो पूरी दुनिया में कामयाब है, पूरे इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं लगा दो आप इसको, ये 6 साल में तैयार होगा और एक पेड़ 5,000 तक का बिक जाएगा। अच्छा, तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो जो सा भी पेड़ आपको लेना हो तो आप किसान फार्मिंग ट्री से संपर्क कर सकते हैं, हम आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जो भी पौधा है वो भिजवा देंगे। मिनिमम 100 पौधों का ऑर्डर हम लेते हैं। अच्छा एक बात और बताओ हमें, अगर पॉपुलर का और आपके मालाबार नीम का कंपैरिजन करा जाए तो इसको आप कैसे बेहतर मानेंगे? पॉपुलर का आप देख लो, एक पेड़ 1,000 का जाएगा मुश्किल से, मैक्सिमम 5 साल में। इसके रेट भी डाउन हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें और ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब करता है, बहुत पानी चाहिए इसको। इसका पत्ता इतना बड़ा होता है, जहाँ फसल के ऊपर गिर गया वहाँ फसल नहीं होने देगा ये। जबकि इसका पत्ता आप देखोगे तो कितना जरा सा पत्ता होता है। ये नीम तो ऐसे भी खाद का काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल। और मोहगनी का पत्ता भी देखोगे तो भी छोटा है, तो ये फसल को खराब ही नहीं करेगा, फसल को ढकता भी नहीं है। और इसके पत्ते, इनके ये जो आपकी तीनों वैरायटी है इनके पत्ते भी नहीं गिरेंगे, सह फसली भी हो सकती है, सह फसली खेती भी आप कर सकते हो। अच्छा। यानी कुछ साल तक अगर मान लो आपने 12 साल वाला ये लगाया मोहगनी, तो 8 साल तक आप खेती कर सकते हो नीचे। अब हमें आप ये बताओ अंत में, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे और क्यों लगाना चाहिए? अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसलिए लगाना चाहिए कि अगर आपसे कई बार पैसा सबसे नहीं जुड़ पाता, बिल्कुल, खाना कमाना खाना ये चलता रहता है, महंगाई का दौर है, ये चलता रहेगा खर्चा, बिल्कुल पैसा जुड़ नहीं पाता और इंसान बैंकों की किस्तें भर नहीं पाता। मान लो आप FD करोगे तो हर महीने 2,000-5,000 रुपए किस्त तो दोगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी नहीं जुड़ पाएगी। तो सबसे बढ़िया ऐसा लगा दो पानी दो, तो पानी तो किसान दे ही सकता है, सही बात है, वो एक आपकी FD हो गई, तो ये 12 साल बाद काटोगे तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अच्छा अंत में कुछ सावधानियां इनकी भाई, ऐसे लगाना है कुछ सावधानियां? नॉर्मली जैसे यूकेलिप्टस लगता है, एक फीट का गड्ढा करो, थैली की पन्नी हटा के उसमें रख दो और पानी लगा दो तुरंत, बस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपकी बात करवाई मनीष देसवाल जी से। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इन तीनों पौधों में से किसी को भी खरीदना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।